Hello student, good morning. Today I am going to teach you Gujarati subject, chapter number 7, Chalo Farie, Chalo Farie. भी आपको नीचे चित्र ध्यान थी जुओ, नीचे ना प्रश्नों ना उत्तर लखो, भी ये चित्र को ध्यान से देखना है और नीचे जो प्रश्न दिए है उसके उत्तर देने हैं। देखो अभी ये पिक्चर में ये वर्ड का झाड़ है, ये बच्चे है, बैठे हैं, माकड़े पर बैठे हुए हैं बच्चे, ये लक्षणी है, लड़की लक्षणी खा रही, बच्चे हिचक रहे हैं, लड़कियां, ये बूढ़ा डोसा दिख रहा है, ये लड़का है। अभी ये सबको देख के आपको नीचे उसके प्रश्न दिए हैं, उसके आंसर देने। चित्रमा कयू झाड़ छे, तो चित्रमा वड़नू झाड़ छे, चित्रमा वड़नू झाड़ छे, चित्रमा वड़नू झाड़ छे, चित्रमा रमवाना कया कया साधनों छे, तो चित्रमा रमवाना इचका लक्षणी जेवा साधनों छे, हिचका पर केतली छोकरी बैठी छे, तो पिक्चर में देख रहे हो है कि हिचका पर बे छोकरियों बैठी छे, बाकड़ा पर कितने छोकराओ छोकरियों बैठी छे, तो दो बाकड़े दिख रहे हैं आपको, एक में छोकरा और बीजी में बेन, एक बाकड़े पर छोकरियों छे ने आ बाकड़ा पर छोकराओ छे, तो बाकड़ा पर कितनी छोकरियों छे, तो बाकड़ा पर बे छोकरियों बैठी छे, बे छोकरियों बैठी छे। आ चित्र मा कयू झाड छे, आ चित्र मा वड़नू झाड छे, चित्र मा रमवाना कया कया साधनो छे, तो चित्र मा रमवाना छीचका लक्षणी जेवा साधनो छे, इचका पर केतली छोकरियो बैठी छे, इचका पर बे छोकरियो बैठी छे, बाकड़ा पर केतली छोकरियो बैठी छे, तो बाकड़ा पर बे छोकरियो बैठी छे। पांच नंबर में दिया है बगीचा मा केतला कुंडा छे, बगीचा मा चार कुंडा छे, बगीचा मा केतला कुंडा छे, बगीचा मा चार कुंडा छे। छो नंबर दादाजीए शु पहेर्यु छे, दादाजीए जप्पो धोती पहेर्यु छे, दादाजीए जप्पो धोती पहेर्यु छे, चित्रमां केतली व्यक्तिओ छे, चित्रमां दस व्यक्तिओ छे, चित्रमां केतली व्यक्तिओ छे, चित्रमां दस व्यक्तिओ छे, आ चित्र क्यानु छे, आ चित्र बगीचानु छे, आ चित्र क्यानु छे, आ चित्र बगीचानु छे, लक्षणी पर केतली छोकरियो छे, लक्षणी पर एक ज छोकरी छे, लक्षणी पर केतली छोकरी छे, लक्षणी पर एक ज छोकरी छे, आ चित्र जेवु तमे बीजे क्यांय जोयु छे, तो हा अमे बीजे जोयु छे, हा अमे बीजे जोयु छे, बाकड़ा पर केतला छोकरा बैठा छे, तो बाकड़ा पर त्रण छोकराओ बैठा छे, बाकड़ा पर त्रण छोकराओ बैठा छे। प्रश्न नंबर दो दिया है, बे आपेलो छे कि चित्रमा देखाती वस्तुओं नाम लखो,
તો ચિત્રમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ દેખાય છે? તો બાકડા, ક્યા ક્યા દીખતા હૈ? બાકડા, લપસણી, હિચકો, દાદાજી, છોકરા, છોકરી, કુંડા, ઝાડ, બગીચો. ચિત્રમાં દેખાતી વસ્તુઓના નામ લખો. તો બાકડા, લપસણી, ઈચકો, દાદાજી, છોકરા, છોકરી, કુંડા, ઝાડ, બગીચો. એ સબ ચીજ કહાં પે હોતી હૈ? બગીચે કે અંદર, ચિત્ર કે અંદર દિયા હુઆ હૈ. અભી નીચે પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3 વાંચો અને રૂ તથા ક્ષની નીચે લીટી કરો. એ બી રૂ હે ઓર એ બી રૂ હે અને યે હે શ. તો જહાં પે યે વર્ડ્સ દિખતે હૈ, શબ્દ દિખતે હૈ, ઉસકે નીચે ક્યા કરના હૈ? અપને કો લીટી બનાની હૈ. જૈસે 1 નંબર મે દિયા હૈ રૂમાલ. 1 નંબર મે ક્યા દિયા હૈ? રૂમાલ. તો એ રૂ કે નીચે લીટી બનાયેંગે. રૂ કે નીચે લીટી બનાયેંગે. 2 નંબર પે હૈ વૃક્ષ. 2 નંબર પર છે વૃક્ષ. તો ક્ષ કે નીચે જે શ દિયા હૈ, તો શ કે નીચે લીટી બનાયેંગે. ઋતુ, રૂ ઓર તુ. તો રૂ કે નીચે લીટી બનાયેંગે. રૂ કે નીચે લીટી બનાયેંગે. ઇસમે હૈ રૂપાલી. રૂપાલી. તો રૂપે રૂપ કે નીચે ક્યા બનાના હૈ? લીટી. પક્ષી, પક્ષી. તો શી કે નીચે લીટી બનેગી. રક્ષા, રક્ષા. તો ક્ષા કે નીચે લીટી બનેગી. દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ. ષ કે નીચે લીટી બનેગી. ઋષિ, ઋષિ. તો રૂ કે નીચે લીટી બનેગી. પરીક્ષા, પરીક્ષા. તો ક્ષા કે નીચે લીટી બનેગી. અક્ષર, અક્ષર. ક્ષ કે નીચે લીટી બનેગી. રૂબરૂ, રૂબરૂ. તો રૂ કે નીચે લીટી બનેગી. એ દોનો રૂ હે, દોનો કે રૂ કે નીચે લીટી બનેગી. દક્ષા, દક્ષા. તો શા કે નીચે લીટી બનેગી. રૂચા, રૂચા. તો રૂ કે નીચે લીટી બનેગી. ઋગ્વેદ, ઋગ્વેદ. તો રૂ કે નીચે લીટી. લક્ષ્મણ, લક્ષ્મણ. તો ક્ષ કે નીચે આધા શ દિયા હૈ, ઉસકે નીચે લીટી બનેગી. ક્ષમા, ક્ષમા. શ કે નીચે લીટી. રૂપિયો, રૂપિયો. રૂ કે નીચે લીટી. ચક્ષુ, ચક્ષુ. તે શુ કે નીચે લીટી. અભી આપકો પહેલે લિયા હૈ રૂમાલ. વૃક્ષ, ઋતુ. રૂપાલી, પક્ષી. રક્ષા, દ્રાક્ષી. ઋષિ, પરીક્ષા. અક્ષર, રૂબરૂ. દક્ષા, રૂચા. ઋગ્વેદ, લક્ષ્મણ. ક્ષમા, રૂપિયો, ચક્ષુ. અભી કહાં પે અપને અંડરલાઈન કી? જહાં પે રૂ દિયા હૈ વહાં કે નીચે અંડરલાઈન કી હૈ. જહાં એ ઉપર આપકો શબ્દ દિયે, વર્ડ્સ. એ શબ્દ હૈ રૂ, રૂ, અક્ષ. ઉસકે નીચે અપને કો લીટી બનાની હૈ વર્ડ્સ કે નીચે. 4 નંબર. રૂ, રૂ અને ક્ષ પરથી શબ્દો બનાવીને લખો. એ રૂ હે તો ઋતુ, ઋતુ. ઋગ્વેદ, ઋગ્વેદ. ઋષિ, ઋષિ. ઋતુ, ઋગ્વેદ, ઋષિ.
अभी ये रू दिया है तो रुमाल, रुमाल, रूबरू, रुमाल, रूबरू, रुपियो, रूचा, रुमाली, रुमाल, रूबरू, रुपियो, रूचा, रुमाली, क्ष, रक्षा, दक्षा, चक्ष, शमा, लक्ष्मण, रक्षा, दक्षा, चक्ष, शमा, लक्ष्मण। पांच नंबर, नीचे ना शब्दों नो उपयोग करीने वाक्य बनाओ। रुमाल, आ बंसी नो रुमाल छे, आ बंसी नो रुमाल छे। ऋषि, आश्रम मा ऋषि होय छे, आश्रम मा ऋषि होय छे। वृक्ष, वृक्ष पर पंखी बैठा छे, वृक्ष पर पंखी बैठा छे। रुपियो, आ बे रुपिया छे, आ बे रुपिया छे। द्राक्ष, द्राक्ष खाटी छे, द्राक्ष खाटी छे। क्षत्रिय, क्षत्रिय साधु होय छे, क्षत्रिय साधु होय छे। प्रश्न नंबर छ, वाँचो अने लखो, वाँचो अने लखो। आपको दिया है रूपाली, तो आप बाद में साइड में लिखेंगे रूपाली, रूपाली। अभी ये द्राक्ष है तो बाजू में लिखनी है द्राक्ष, द्राक्ष, द्राक्ष। पक्षी, 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 पक्षी। बाह्य, 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 बाह्य। परुच, 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 परुच। अक्षर दे, अक्षर दे, अक्षर दे, अक्षर दे। परीक्षा, 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 परीक्षा। रूम, 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 रूम। ऋषि, 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 ऋषि। अक्षर, 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 अक्षर। मशरूम, 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 मशरूम। शीर, 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 शीर। रुमाल, 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 रुमाल। प्रदक्षिणा, 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 प्रदक्षिणा। पहले दिया है रूपाली, द्राक्ष, पक्षी, बाह्य, भरूच, अक्षर दे, परीक्षा, रूम, ऋषि, अक्षर, मशरूम, क्षीर, रुमाल, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। प्रश्न नंबर सात, सुधारीने लखो, सुधारीने लखो। वृक्ष, वृक्ष, ऐसे वृक्ष लिखेंगे हम, वृक्ष, वृक्ष। इसमें आपको दिया है साक्षर, साक्षर, साक्षर। रुमाल, रुमाल को ऐसे लिखेंगे, रुमाल, रुमाल, रुमाल। मोक्ष, 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 मोक्ष। अक्षर, अक्षर, तो अक्षर ऐसे लिखते हैं, अक्ष और श और र, अक्षर, अक्षर। चक्षु, पक्षी, भक्षण, भक्षण। रक्षा, दक्षा। ऋतु, रुपियो, ऋतु, रुपियो। वृक्ष, साक्षर, रुमाल। मोक्ष, अक्षर, चक्षु, पक्षी, भक्षण। रक्षा, दक्षा, ऋतु, रुपियो।
अभी एक्सरसाइज नंबर 8, कौश माध्य योग्य शब्द प्रश्न करी नीचे नी चित्रनी नीचे लखो। अभी कौश में से आपको प्रश्न करके चित्र के नीचे उसका नाम लिखना है। अभी इसमें पहला पिक्चर है चक्षु, चक्षु यानी आंख दिखाई है, चक्षु यानी आंख, तो चक्षु यानी आंख। दूसरे में है वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष वृक्ष, ऋषि साधु ऋषि ऋषि, चक्षु वृक्ष ऋषि, पक्षी रुमाल द्राक्ष, पक्षी रुमाल द्राक्ष। पहले में है चक्षु वृक्ष और ऋषि, पक्षी रुमाल और द्राक्ष, पक्षी रुमाल द्राक्ष। अभी प्रवृत्तियों दी है, नीचेना चित्रों में रंग पूरो અને દરેક ચિત્ર નીચે તેનું નામ લખો। અભી એ પપૈયું, તો પપૈયું મેં કોનસા કલર આયેગા, પપૈયું મેં જો કલર આયેગા તો પપૈયું લિખ કે ઇસમેં કલર કરના હૈ, પપૈયું મેં પપૈયા જૈસે કલર કરના હૈ ઓર નીચે લિખના હૈ પપૈયું। અભી સફરજન, તો સફરજન કેનસે કલર કા હોતા હૈ, તો રેડ કલર કરેંગે ઓર ઇસમેં યેલો કલર કરેંગે। केरी, तो केरी दी है, तो केरी में कौन सा कलर करेंगे, जो केरी का कलर होता है येलो। नारंगी, नारंगी कौन से कलर की होती है, इसमें नारंगी का कलर करना है। ग्रेप्स दी है, ग्रेप्स यानी द्राक्ष, द्राक्ष कौन से कलर की होती है, द्राक्ष में कलर करेंगे। तरबूज, तरबूज में, तरबूज ग्रीन कलर का होता है, तरबूज में ग्रीन कलर करेंगे। पपयू की स्पेलिंग है पपयू, प पने बेमात्र पई, यू यू सफरजन, सफरजन। केरी, केरी। नारंगी, नारंगी। केरी, नारंगी। द्राक्ष, द्राक्ष। तरबूज, तरबूज। द्राक्ष, तरबूज। બે નંબર નીચેના ચિત્ર જોઈ તમારા મિત્રને વાર્તા કહો। અભી એ ચિત્ર દેખના હૈ વન બાય વન, તો ઇસમે ક્યા કરના હૈ આપકો, અપને મિત્ર કો કહેની હૈ, ચિત્ર કે હિસાબ સે ઉસકી સ્ટોરી અપને મિત્ર કો બતાની હૈ। અભી વન પિક્ચર મેં આપ કૌવે કે દેખ રહે હો, કાઉ યાની કાગડે કો, યે કાગડા હૈ દેખો, વો ઝાડ પર બેઠા હૈ, वो उठता हुआ आता है, फिर वो कहाँ बैठता है, झाड़ पर बैठा हुआ है। फिर वो क्या करते हैं तीसरे पिक्चर में, उसको प्यास लगी हुई होती है, क्या होता है उसको प्यास लगी है, जो कुंडे पर बैठा है वो पानी के कुंजे पे, और वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी है वो पानी से वो નીચે છે, કુંડાની નીચે છે, તો એની ચાંચ ત્યાં સુધી પહોંચતી નથી। ફિર વો જાતા હે, જાકે દેખો એક કંકડ લીએ હે, કંકડ પડે હે પથ્થર, છોટે છોટે કંકડ, તો વો લેકે આતા હે, કરકે વો કહાં પે ડાલતા હે, જો કુંજા હોતા હે પાણી ઉસમે ડાલતા હે, પાણી કા જો કુંજા હોતા હે ઉસમે વો ક્યા કરતા હે, કંકડ કો ડાલતા હે। ફિર વો એક એક કંકડ કરકે વો પૂરે ऊपर तक सब कंकड़ लेके आता है। देखो आप देखो, थोड़े थोड़े कंकड़ उसने डाले, फिर का पानी था जो ऊपर आ गया कंकड़ों से,
पूरे कंकड़ डाल के वो पानी को ऊपर ले आता है, फिर वो उसमें से अपने पानी पीता है, अपनी प्यास को बुझाता है। क्या करता है वो? पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है, फिर वो उड़ जाता है। देखा आपने उसकी बुद्धि कैसे करा उसने, कि वो पानी की शोध में निकलता है, उसको पानी मिलता नहीं है, एक झाड़ पर बैठा रहता है, फिर उसको एक कुंडा नजर आता है, उसमें पानी होता है, लेकिन वो पानी नीच बहुत नीचा रहता है, तो वो पानी को पी नहीं पाता। तो एना माटे शू करे छे वो, के दूर जाके वो कंकड़ होते हैं उसको लेके आता है, इसको लेके आता है कंकड़ को, और वो कंकड़ को वो एक एक करके वो कुंडे में डालता है। क्या करता है? कंकड़ को एक एक कंकड़ करके वो कुंडे में डालता है, जहां जिसमें पानी रहता है। तो वो पूरे कुंडे में वो एक एक कंकड़ लाके डाल डाल के वो पानी को ऊपर लाता है। पानी ऊपर आने के बाद वो पानी पीता है। क्या करता है? पानी पीता है, फिर उड़ जाता है। अभी एक बार हम फिर से थोड़े वर्ड्स पढ़ेंगे। रूपाली रूपाली, द्राक्ष द्राक्ष, पक्षी पक्षी, बाह्य बाह्य, परुच परुच, अक्षर दे, परीक्षा परीक्षा, रूम रूम, ऋषि ऋषि, अक्षर अक्षर, मशरूम मशरूम, शीर शीर, रुमाल रुमाल, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा। क्या दिया है? प्रदक्षिणा। ए रू पनिका नो पा और ली, रू पनिका नो पा और ली दिया है। पी द्रा कानो द्राक्ष, प और क्षी, बा आदा ह और य बाह्य, प रुच परुच, अक्षर देह अक्षर देह, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, रूम रूम, ऋषि ऋषि, अक्षर अ शर म शरूम म शरूम, शिर शिर शिर, रुमाल रुमाल, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा। ये आपको क्या दिए हैं? ये सब वर्ड से, तो वर्ड्स को रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है कि उसको क्या बोलते हैं। ये रू है, फिर पने कानो पा है, फिर ली दी है, इद्र काना लगाए, फिर श है, ये रू है और म है रूम, ये रू है और शी है तो ऋषि, ये अ है फिर श है फिर र है तो अक्षर। ऐसे सब क्या करना है? वन बाय वन वर्ड्स को रीड करना है। समझ गए? ओके अंडरस्टूड।